नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आप सभी लोगों के अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा टिप्स क्लासेस पर। काफ़ी बड़ी अपडेट सामने निकल करके आ रही है, यूपी राजस्व लेखपाल को लेकर के सरकार की तरफ से सहमति बन चुकी है, तो बहुत ही जल्द आप लोगों को यूपी ट्रिपल एससी के तरफ से कुल मिला करके 8,249 पदों पर विज्ञापन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे न्यूज़ चैनल के माध्यम से तो दावा किया ही जा रहा है। इसके अलावा आज एक न्यूज़पेपर है ऑनलाइन हिंदुस्तान, ठीक है, तो उसमें दो तीन दिन पहले भी खबर मैंने आप लोगों को दिखाई थी, तो आज भी आप लोग देख सकते हो ये बिल्कुल लाइव चल रहा है livehindustan.com। ठीक, तो यहाँ पे आज की डेट आप देख लीजिएगा और आप लोग खुद भी जा करके चेक कर सकते हो। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा जिन बच्चों को डाउट रहता है कि ठीक है ये असली न्यूज़ है या नहीं है। तो बेटा यहाँ पे फाइनली अब निकल करके आया है कि यूपी ट्रिपल एससी से राजस्व विभाग में कुल मिलाकर के 8,249 पदों पर भर्ती शीघ्र होगी। ठीक, यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा ये कहा गया है कि 6 महीने के अंदर अंदर नियुक्ति पत्र दिए जाने हैं, तो भाई इसी को लेकर के अब यूपी ट्रिपल एससी आयोग पूरी तरीके से बिल्कुल तैयार है। तो जितने भी राजस्व विभाग में खाली पद थे उनको लेकर के अब भर्ती के प्रस्ताव भी प्राप्त हो चुके हैं, तो अब बस करना क्या है कि आयोग को ऑनलाइन आवेदन निकाल लें। यहाँ पर देख सकते हो आप लोग, लिखा भी हुआ है कि सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे और इसके बाद में पेपर करा लिया जाएगा, और पेपर कराने के बाद में जो अभ्यर्थी योग्य होंगे उनको क्या किया जाएगा, नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो आप लोग, भर्तियों को लेकर के तैयारी तेज़ हो चुकी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें लेखपाल के कुल कितने पद रहेंगे, तो इसके लिए मैंने सुबह ही वीडियो बनाया था कि 7,019 पदों पर वैकेंसी जो आने वाली है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे भी कैंडिडेट्स हैं जिनको अभी तक भरोसा नहीं हो रहा है कि रियलिटी में लेखपाल भर्ती आएगी या नहीं आएगी। तो बेटा आप लोग देख सकते हो न्यूज़ चैनल के माध्यम से भी दावा किया जा रहा है, इसके अलावा हिंदुस्तान न्यूज़पेपर के माध्यम से भी ये बात सामने निकल करके आई है। तो अब फ़ायदा ये है कि जो हम लोगों ने आंदोलन किया था, ठीक है, जो बेरोज़गारी आंदोलन हुआ था उसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सरकार पर दबाव बना है, तो इसी वजह से सरकार की अब मंशा यही है कि जितने भी अटके हुए पद थे उनको जल्द से जल्द भरा जाए ताकि छात्रों का विरोध और ज़्यादा ना झेलना पड़े। ठीक है, क्योंकि दूसरी वजह ये भी है, सरकार के पास वक्त भी बहुत कम बचा हुआ है। अगर 6 महीने के अंदर अंदर इन्होंने नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए तो छात्रों के बीच में इनकी छवि थोड़ी सुधर सकती है, तो सरकार की पूरी कोशिश है। ठीक है, लेखपाल की बात बता दी, लेखपाल के बाद में राजस्व निरीक्षक की अगर हम बात करें तो राजस्व निरीक्षक के भी 1,073 पदों पर भर्ती की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ सहायक, इसके अलावा जूनियर असिस्टेंट 1,104, तो कुल मिलाकर के भर्तियाँ काफ़ी मात्रा में आने वाली हैं। तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि आप लोग अब तैयारी बिल्कुल शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, और इसके लिए अगर हम बात करें विज्ञापन कब तक देखने को मिल सकता है, देखिए विज्ञापन की अगर हम बात करें तो ये अक्टूबर के मंथ में आप लोगों को विज्ञापन जो है वो देखने को मिल ही जाएगा। ठीक है, तो आप लोग ज़्यादा देरी ना करिएगा, आपने अपनी स्टडी कंटिन्यू कर दीजिएगा और जो भी अपडेट रहेगी इसको लेकर के मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम पे देता रहूँगा। ठीक है, सो अगर वीडियो थोड़ी बहुत भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो बनता है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और लेखपाल को लेकर के अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो तो ग्रामीण प्रवेश के लिए बहुत ही अच्छे नोट्स जो हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जा करके आप उनके PDF को डाउनलोड कर सकते हो और उनसे तैयारी कर सकते हो। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मुझे इस नंबर पर संपर्क भी कर सकते हो, खास तौर पर लेखपाल एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, 9456-98-1097 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सएप करके कोई भी जानकारी ले सकते हो। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।